आज गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन है, कई जगहों पर बैठकें करने वाले हैं और साथ ही उज्जैन में चुनावी सभा भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। शनिवार को एमपी पहुंचने के बाद सबसे पहले शाह जबलपुर पहुंचे, जहां रानी दुर्गावती अस्पताल के पास एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शहीदों को नमन किया। दोपहर करीब 2 बजे बीजेपी संभागीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद शाह सीधे कमलनाथ गढ़ छिंदवाड़ा निकल गए। छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कमलनाथ को आदिवासी विरोधी बता दिया। मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र आदिवासी समाज का सम्मान किया। शाह ने परिवार के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला किया। बता दें कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ विधायक हैं, तो उनके बेटे नकुल वहां से सांसद हैं। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बना बता दी, जरा तनिक दर्शन कर आ जाना। शनिवार देर शाम शाह भोपाल पहुंचे और पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। आज अमित शाह उज्जैन जाएंगे, जहां महाकाल का आशीर्वाद लेकर रोड शो करेंगे और उसके बाद खजुराहो और रीवा में पार्टी नेताओं के साथ मिलकर चुनाव पर मंथन करेंगे। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में सियासी पारा गर्म है। आज यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनावी प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। रिपोर्ट देखिए। मिशन छत्तीसगढ़ पर जेपी नड्डा शनिवार को रायपुर पहुंचे, दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा दौरा है और पूरी तैयारी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन आज जेपी नड्डा 2 जनसभाएं और 3 रोड शो करेंगे। इसके साथ साथ जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी माहौल और बीजेपी के प्रचार अभियान की समीक्षा भी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहे हैं। कोंडागांव में आयोजित रैली में राहुल गांधी ने अडानी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। हमने पिछली बार कर्जा माफी की बात की, बीजेपी के लोगों ने कहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि याद रखिए वो अडानी वाली सरकार वो कर्जा माफ सिर्फ अदानी जैसे लोगों के लिए कर सकते हैं। 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 5-10 उद्योगपतियों का माफ किया है। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी आज राजनांदगांव और कबीरधाम में 2 रैलियां करेंगे। 28 अक्टूबर की रात को लगा चंद्रग्रहण खत्म हो चुका है, लेकिन इस दौरान दुनिया के कई अलग अलग देशों में खगोलीय अद्भुत नजारा देखा गया। साल का आखिरी चंद्रग्रहण खत्म हो गया। चंद्रग्रहण आंशिक तौर पर रात 11:31 से शुरू हुआ, हालांकि भारत में इसे देर रात 1:05 पर देखा गया, जो सुबह 2:24 पर खत्म हो गया। देश भर में इस अद्भुत नजारे को देखा गया और जिसने भी इस खगोलीय घटना को देखा वो बहुत खुश नजर आया। ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया कि यहाँ पे इवेंट रखा गया है रात के टाइम। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छा लगा, पहली बार देख रहे हैं लूनर एक्लिप्स एंड आफ्टर चंद्रयान बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ओवरवेल्म्ड हो चुकी है कि व्हाट इज एक्चुअली मून। अभी तक तो बुक्स में देखा है ना ऑल देख। इसी के साथ देर शाम से लगा सूतक काल भी समाप्त हो गया। देश भर के मंदिरों में जो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले बंद कर दिए गए थे उसे विधि विधान और पूजा पाठ करते हुए खोल दिया गया। भले ही विज्ञान इसे अंतरिक्ष में हुई एक सामान्य घटना से देखता हो, लेकिन ज्योतिष विज्ञान इसे शुभ अशुभ घटनाओं से जोड़ता है। अमरनाथ यात्रियों को बहुत जल्द एक खुशखबरी मिलने वाली है। बेहद कठिन माने जाने वाली ये यात्रा अब कुछ दिनों में नहीं बल्कि महज कुछ घंटों में ही पूरी हो जाएगी। पवित्र अमरनाथ गुफा, जिसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। भगवान महादेव का ऐसा पावन धाम जिसे सनातन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है। बाबा बर्फानी अपने भक्तों पर हमेशा आशीर्वाद बरसाते हैं। बेहद कठिन माने जाने वाली इस यात्रा में श्रद्धालु बमुश्किल ही पहुंच पाते हैं, लेकिन इस बीच बाबा बर्फानी के धाम से आई है अच्छी खबर। जी हाँ, ये वो तस्वीर है जो शिव भक्तों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। काली पहाड़ी जो सिर्फ अमरनाथ गुफा से 2 किलोमीटर पहले वहां तक सड़क पहुंच चुकी है। शिव भक्तों का ये सपना साकार कर दिखाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने। सड़क निर्माण का काम इसी साल जून महीने से शुरू किया गया है और 5 महीने में गुफा के इतने करीब तक गाड़ियां पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। जेएनके सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बीआरओ के इंजीनियर्स को ट्रैक के रखरखाव का काम सौंपा था। फिलहाल काम जारी है और एक बार परियोजना पूरी हो जाने पर श्रीनगर से अमरनाथ गुफा मंदिर की दूरी 3 दिन से घटकर महज 8 से 9 घंटे रह जाएगी, जो शिव भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। एबीपी न्यूज़।
आपको रखे आगे।